हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो ये ब्लॉग है 24 नवंबर सुबह के टाइम का। देखिए हमारी चाय बन रही है, 7 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। उनकी मैम अब 6:30 बजे से आने लगी हैं सुबह। तो चाय हमने छान ली है 3 कप अपनी और रूही के पापा की, और हमारी जो भांजी आई हुई है तो ब्रेड भी सेक ली, तो हम लोगों ने चाय पी ली। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज वो लंच में ले जाने वाले हैं मैक्रोनी, तो मैंने मैक्रोनी उबाल ली थी, उबाल के रख ली हैं। और ये देखिए मैंने प्याज को भी चॉप करके रख लिया है चॉपर से, और मैंने तेल में कड़ी पत्ता, राई, जीरा डाल दिया है तड़कने के लिए। तो अभी ये जब तक तड़कते हैं, देखिएगा मैक्रोनी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने उबाल के रख ली है, क्योंकि ज़्यादा उबाल नहीं है, मैंने बच्चे लंच में भी ले जाएंगे और सबका सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा। तो देखिए तेल भी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ अपना प्याज, लहसुन, मिर्ची, सब कुछ साथ में ही चॉप कर लिया था मैंने। तो इसको मैं डाल दूँगी, अच्छे से फ्राई होने दूँगी। और देखिए उसी चॉपर में मैंने ये टमाटर भी चॉप कर लिए हैं। तो अभी मेरी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, तो मैं इसको टमाटर भी ऐड कर देती हूँ और इनको अच्छे से चलाऊंगी। और टमाटर डालने के तुरंत बाद ही मैं नमक ऐड कर दूंगी और मसाले भी ऐड कर दूंगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। तो मैं इनको अच्छे से चला देती हूँ, और ये देखिए मैगी मसाला भी डाल देती हूँ। और ये डालने के बाद अपनी मैक्रोनी है उबाल के रखी थी वो भी ऐड कर देती हूँ। गाइस मैंने मैक्रोनी उबलती हुई आपको नहीं दिखाई है, मैक्रोनी उबालना तो सभी को आता है। पानी रख दीजिए गर्म होने के लिए, और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, नमक डाल के उबाल लीजिए। तो देखिए मैंने मैक्रोनी को अच्छे से मिला लिया है, और मैंने ऊपर से हरा धनिया भी काट के इस पर अच्छे से गार्निश कर दे रही हूँ, मिला दे रही हूँ। तो अच्छे से मिला के, इस समय तो सर्दियाँ हैं, हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, हर सब्ज़ी में डालिएगा। तो ये देखिए हम लोग मैक्रोनी खा रहे हैं, बच्चों को भी दे दी है मैंने थोड़ा थोड़ा खाने के लिए, और लंच भी लगा दिया है। तो ये देखिए स्कूल का टाइम हो रहा है, तो जो भांजी आई हुई है वो रूही के बाल बना रही है। रूही कह रही थी दीदी से बाल बनाऊंगी, तो वो बाल बना रही है, और साथ के साथ ही रूही खाती भी जा रही है, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो गाइस आप लोग भी आइएगा और खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी हमारी मैक्रोनी। तो अब मैं सीधा मिल रही हूँ लंच के टाइम नहा धो के। तो देखिए आलू सेम की भुजिया बनाई है मैंने, और भी आटा भी रख लिया, तो रोटियाँ भी बना लूँगी, आटा भी गूंथ के रख लिया है मैंने, वही रोटियाँ भी सेक लूँगी मैं। और ये देखिए किचन का लुक में भी कुछ इस तरीके से है। दरअसल मैंने आपको कितने बार बताया, मेरा स्टैंड टूटा पड़ा है अभी, तो इस वजह से ऐसे ही ब्लॉगिंग हो रही है यहाँ से। और ये देखिए मैंने थाली भर ली है इतनी सारी खाने से, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, वहीं ले जाऊँगी कपड़े, कपड़े भी फैलाऊँगी और साथ में वहीं पे खाना भी खाऊँगी, और थोड़ा धूप भी लग जाएगी, 1-1.5 घंटे बैठूँगी वहीं पे। तो बाबू चला गया था दादी के घर, अभी सुबह से बच्चे स्कूल गए थे तो वो साथ में ही रोने लगा, तो ये बोले चलो ले जाता हूँ। मम्मी भी शादी में गई थी 2 दिन से, तो उन्होंने बाबू को खिलाया नहीं था, तो बोले चलो मम्मी के पास छोड़ आऊँगा, खेल लेगा वो। तो ये बाबू को भी ले गए थे, तो बस हम दोनों ही थे, मैं और मेरी भांजी। और बस देखिए ये मैं छत पे कपड़े फैला रही हूँ और कपड़े फैला दूँगी। और ये देखिए बगल में बात कर रही थी, मैंने आपको बताया था ना, मेरी मौसी जी रहती हैं यहाँ पे, मतलब मेरी चाची की सिस्टर, तो उनसे ही बात कर रही थी ये मेरी भांजी। इसको हो गया है 1-1.5 हफ्ता आए हुए, तो ये कभी उस घर चली जाती है मम्मी वाले घर, कभी इस घर आ जाती है, तो पहचानने लगी है सबको, तो बात कर रही है। और मैं कपड़े फैला रही हूँ, और वॉइस ओवर करते समय मेरे बाबू कर रहे हूँ, क्या करूँ बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, बिल्कुल अच्छे से पर्सनली टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो बस जो है यही है, इसी तरीके से करती हूँ मैं। और ये देखिए बटरफ्लाई उड़ रही थी, तो वो भी कैप्चर हो गई। तो अभी मैं कपड़े फैला चुकी हूँ, फ्री हो गई हूँ, तो थोड़ा मैं भी बात करने लगी। और देखिए हवा भी चल रही है, तो अभी मैं कपड़ा फैलाने के बाद फाइनली थोड़ा बातें आते कि हम लोगों ने, और फिर बैठ के हम दोनों खाना खा रहे हैं। और धूप में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है, 1-1 रोटी ज़्यादा ही खप जाती है। तो देखिए मैं खाना खा के आ गई थी,
क्योंकि ये आ गए थे के पापा खाना खाने के लिए, तो मैं नीचे आ गई थी और वो रह गई थी भांजी, बोली मैं थोड़ा देर और बैठती हूँ मामी फिर आऊँगी। तो मैंने कहा चलो तुम थोड़ा देर बैठ लो मैं जा रही हूँ नीचे। तो इनको खाना ना दिया खाया और अब मैं मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम, सीधा शाम के टाइम का है ये ब्लॉग, 5 बज रहे होंगे लगभग। तो देखिए मैं बाबू के लिए सूजी भून रही हूँ, बाबू की जो मैंने सूजी भून के रखी थी ख़त्म हो गई थी तो मैं भून रही हूँ दोबारा से। तो ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। लो बेटा वो ये बाबू बज्जा हो गया। ये और अभी बाबू किचन में काम करवाएगा ना बाबू। देख इधर देख बोलो हाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। अभी मैं सूजी भून रही थी तो देखा आपने बाबू बीच बीच से परेशान करने लगते हैं तो उनको भी लेना पड़ता है। तो देखिए मैंने सूजी भून ली थी तो अभी मैं बाबू के लिए डिनर बना रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दूध रख दिया है भगोने में उबलने के लिए, कुछ दूध रख दिया है मैंने। हाँ अभी ये उबाल पे आ जाए। दूध मेरा खौलने लगा था तो मैं इसमें सूजी डाल देती हूँ और देखिए सूजी बस पकने दूंगी। और सूजी मेरी पक गई थी तो मैंने हलवा प्लेट में निकाल दिया। इतने में इनके पापा फिर आ गए शाम को, तो वो कहने लगे चाय पीनी है तो उनके लिए चाय बना रही हूँ मैं। तो देखिए चाय में सब कुछ डाल दिया है और इधर मैंने नमकीन भी निकाल दी है इनके लिए, इनको चाय पीनी थी। तो देखिए चाय खोल दी, अच्छे से खोल गई है तो मैं इसको छान दूँगी। और एक कप चाय बनाई थी पर 2 कप चाय बन गई एक की जगह। तो बस मैंने खाना बनाया और सब्जी सुबह की रखी थी तो मैंने पराठे सेक लिए और मैं खा चुकी हूँ। अभी खा के मिल रही हूँ मैं खाना। और देखो ये देखो रूही भी लेट गई है, उसने अभी गोलू अपना वर्क कर रही है। तो ये देखिए ये कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, अभी जाग रहे हैं। और मैं कुछ लाई थी मार्केट से तो मैंने सोचा चलो आपके साथ दिखाती हूँ आपको। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाई थी मैं कल मार्केट से, थोड़ा बहुत जो भी सामान लाई थी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं रूही के लिए स्कर्ट लेके आई हूँ, सिली सिलाई ड्रेस की स्कर्ट है। दरअसल उसकी सैटरडे वाली ड्रेस नहीं थी कंप्लीट तो वो लेके आई हूँ। और उसके ब्लेजर लेके आई हूँ ब्लू कलर का, तो देख पा रहे होंगे। और ये गोलू के लिए गर्म पजामे लाई हूँ 2, तो इसमें देखिए नाड़ा भी है। और ये बाबू के लिए 4 पेयर लाई थी मैं सॉक्स का, तो 1 पेयर पहन लिया है उसने। और ये उसके लिए गर्म पजामे लाई हूँ 2 का सेट, ये देखिए 2 कलर में। और ये इनर भी लाई हूँ 2 लाई हूँ मैं, ये कलर है। और एक ये बाबू ने पहन रखी है ब्लैक कलर की। तो ये देखिए मस्ती कर रहे हैं दोनों, गोलू की बुक्स के पीछे बहुत भागता है ये, इसको बुक्स से बहुत प्यार है। तो देखिए ये सूज लाई थी बाबू के लिए और देखिए पहना के देखे और बाबू ने बस कलाकारी शुरू कर दी। तो उसका ये तो बस बच्चों के लिए इतना सामान लाई थी मैं, और लाई थी वीडियो बनाने से पहले ही बच्चों ने निकाल लिया और यूज भी करने लगे। तो मैं कल लाई थी और आज दिखा रही हूँ आपको। और कुछ घर का भी लाई थी, क्रीम व्रीम वगैरह लाई थी और ये बॉडी लोशन वगैरह, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो कोल्ड वोल्ड क्रीम वगैरह लाई थी। हाँ हाँ ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ हाँ मम्मा शॉपिंग करके लाई थी ना बाबू के लिए शॉपिंग करके लाई थी ना। हाँ ये दीदी ने प्यारी कर दी, ये अभी ये प्यार हो रहा है देखो। ये गिर गया ए चढ़ गई। ये मस्ती तो चलती ही रही। हम इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं
उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है जरा भी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मन बहुत ही डाउन हो जाता है जब देखती हूँ कि कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो इतना इतना बच्चों के साथ इतनी मेहनत करने के बाद भी वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालते हैं और एडिटिंग करने के लिए इतनी सारा काम होने के बाद भी इतनी मेहनत करते हैं और जब सपोर्ट नहीं मिलता अच्छा खासा तो मन बहुत दुखता है। तो प्लीज़ गाइस आपसे विनती है मेरी, सपोर्ट कीजिएगा चैनल को और हम जैसी हाउसवाइफ को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा। कभी कभी तो मन करता है बस छोड़ दो ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग यहीं पे मन डाउन हो जाता है। देखती हूँ दो दो हफ्ते तक सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ ही नहीं आते हैं तो मन थोड़ा दुखता है। प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, हमारा उत्साह बढ़ाइएगा ताकि मैं थोड़ा अंदर से अच्छा फील करूँ और आपके साथ और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ। बाय बाय गाइस, थैंक यू।